टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला कनाडा के साथ होना था। यह मुकाबला 15 जून को रात 8 बजे फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोबार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन भारी बारिश ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरे खेल पर पानी फिर गया। वहां ऐसी बारिश हुई कि टॉस भी नहीं हो सका। अंपायर ने भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे मैदान का निरीक्षण कर मैच को रद्द करने का फैसला किया। अब भारतीय टीम सुपर हिट में बड़ी टीमों के साथ टकराएगी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इस टी20 विश्व कप 2024 में हार के साथ बाहर आ चुकी है। बता दें कि भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में 20 जून को अफगानिस्तान के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं 22 जून को टीम का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश या नीदरलैंड के साथ होगा। हालांकि बांग्लादेश या नीदरलैंड किसके साथ खेलेगी भारतीय टीम, इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बाद भारतीय टीम का मुकाबला 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा और सभी मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे होंगे। मौसम विभाग की माने तो मैच के दौरान 15 जून को फ्लोरिडा के खराब मौसम की वजह से मैच रद्द हुआ था। मैच के दौरान बारिश की संभावना 86% दर्ज की गई थी। वहीं 16 जून को भी 80% तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि फ्लोरिडा में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में 16 जून को पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होने वाला है। संभावना है कि यह मैच भी बारिश की भेंट चढ़ सकती है।